स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर ध्यान देंगे। हिंदी बुक में आज हम लोग पार्ट छः दोहराएंगे, नाव बनाओ नाव बनाओ। इसको पहले भी हम लोग पढ़ गए हैं, आज फिर एक बार इसको दोहराते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम जाओ लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूरे से अरती, बुंदो लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती करती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। हरिकृष्ण दास गुप्त की यह कविता है, इस तरह से आपने इसको याद कर लिया होगा। अब इसके सारांश पर विचार करेंगे। दो भाई बहन आपस में बात करते हैं, इसमें बहन अपने भाई से कहती है कि भैया मेरे जल्दी आओ, और हम लोग वर्षा आ रही है, बादल छाया हुआ है, लगता है जैसे सातों समुद्र भरकर ले आया है, तुम भी इसमें रस का सागर भरकर लाओ, आज सचमुच खूब बारिश होगी, गलियां भरेगी, घर में नदी के जैसा की जैसी धारा बहेगी, ऐसे में तुम भी लहराओ, तुम भी खुश हो जाओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, तुम्हारी गुल्लक भारी है उसको खोलो, मेरी हल्की है उसको मत खोलो, और पैसे नए नए ही रोलो, अपने गुल्लक से पैसे निकाल कर बाज़ार जाओ, और बाज़ार से रंग बिरंगा कागज़ लाल हरा नीला पीला लेकर के आओ, और कैंची चुटकी हाथ से चलाकर उसको काट कर कागज़ की नाव बनाओ, और उसको पानी में तैरा दो, देखो या तैरा दिया। छप छप कर कूरे से अरती, बुंदों लहरों से लड़ती बढ़ती हुई, सबकी आँखों में चढ़ती हुई, यह आगे बढ़ती जा रही है, भैया नाव को तैरा करके मुझे भी खुश कर दो। क्या कहते हो मेरे क्या बस का, क्या तुम्हारे बस का नहीं है, यह सब किसके बस का है, यह सब केवल तुम्हारे आलस्य के कारण है, आलस छोड़ करके तुम जो चाहो सो सब कर सकते हो। इस तरह से इसका सारांश भी आप याद कर लेंगे। रीडिंग और सारांश के बाद फिर कल देखेंगे इसका प्रश्न उत्तर। आज इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले क्लास में बात होगी।